स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू वंस कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज ट्यूसडे है और हम लोग साइंस पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस में हमने चैप्टर 10 फिनिश कर लिया था, हम स्टार्ट कर रहे हैं 11। 11 चैप्टर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थोड़ा आप डीपली जाएंगे, है ना। इन प्रीवियस क्लास आपने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद छोटी मोटी बातें और जानी मोटी मोटी। अब थोड़ा सा हम डीपली आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन हमारी लाइफ प्रोसेस के चार पार्ट हैं, है ना, जो कि आपको 9th-10th में पढ़ने को मिलेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, मतलब हमारा जीवन चलता रहे, ऐसे हमारी जो बॉडी है वो जिंदगी बनी रहे, ठीक है, चलता रहे जीवन, तो उसके लिए हमें जो चार काम है वो जरूरी काम है। पहला काम है न्यूट्रिशन, मतलब ये जो हम जो खाना जो लेते हैं वो खाना लेना, मतलब उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो अलग कर लेते हैं और जो वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मतलब जो खाना लेने और जो न्यूट्रिशन अलग करने की उसके पूरे शरीर में जो प्रोसेस होती है वो एक पूरी प्रोसेस है, वो एक पूरी उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। दूसरी क्या है, एक्सर्सन, मतलब जो वेस्ट है वो बाहर निकलना, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वेस्ट हैं वो अलग अलग तरीके से बाहर निकलते हैं, एनिमल्स में भी, ह्यूमन में भी, प्लांट्स में भी, तो वो भी। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब कि हमें जो सांस आप लेते हो ना, छोड़ते हो, लेते हो, छोड़ते हो, तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होती है ना, ये चारों प्रोसेस में होती है लाइफ प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, और उस सांस से मतलब हम वो ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उससे फिर वो ऑक्सीजन बनाते हैं, हम लोग उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो क्या है वो सारी चीज़ें, वो एक पूरा प्रोसेस है वो चीज़। और लास्ट जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन एक मतलब लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है, जो कि आपको आगे पढ़ने को और भी डीपली मिलेगा। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ materials in animals, the excretory system जिसकी हम बात कर रहे थे, transportation of materials in plants, ठीक है। तो हम transportation humans में ही पढ़ेंगे, animals में ही पढ़ेंगे और plants में ही पढ़ेंगे। तो introduction पढ़ते हैं। सबसे पहले all living organism needs may transportation materials such as various nutrients, water, oxygen, etc. वेरियस वेरी न्यूट्रिएंट्स हमारे में जैसे विटामिन होते हैं, सारी चीज़ होती हैं, आपको जानते हैं, ठीक है, पानी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, ये सब चीज़ें। टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस इन दैम, द बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज इन बॉडी नीड्स टू बी थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। जो बेस्ट है मतलब जो जो व्यर्थ का जो चीज़ें हैं, ठीक है, काम की चीज़ निकालने से जो व्यर्थ की चीज़ बचती है, जैसे हमने हमारा खाना है, खाने में से जो न्यूट्रिशंस वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा फैट, उन सारी चीज़ निकालने के बाद, प्रोटीन वगैरह निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरे आपके खेतों में होता है ना चना गेहूं होते हैं ना, तो चना गेहूं निकालने के बाद क्या बचता है, जो वेस्ट बचता है उसको क्या बोलते हो, भूसा बोलते हो, वहां पे हमारे काम आ जाता है, भूसा हम गाय को खिला देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वैसे ही चीज क्या है, यहाँ पे जो वेस्ट है ना, तो वो वेस्ट हमारे शरीर से कैसे निकलेगा उसके बारे में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सर्सन। इवन द मटेरियल प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी मस्ट रीच द पार्ट वेयर दे आर नीडेड। तो जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो शरीर में जहाँ पे चाहिए वहां पे कैसे पहुंचे, ठीक है, उसके लिए क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन। दिस में डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द बॉडी। उसके लिए क्या होता है, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह तक।
डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट एंड सच मटेरियल्स विदिन देयर बॉडीज डिपेंड इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन द फ्यू टॉपिक्स ट्रॉपिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा सा आप देखेंगे साइड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू उसको बताया भी गया है, तो आप उसको रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन देखते हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर्स आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, अधिकतर पानी चाहिए होता है। हाउएवर सेस वाटर्स एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा और लीव्स, मतलब जो स्टोमेटा और लीव्स होती है ना उसमें क्या होता है, सेस एक्सेस वाटर होता है वो एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपोरेट, उसके उनसे क्या होता है जो स्टोमेटास होते हैं उससे क्या होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। लेंटिकल्स ऑफ द स्टेम्स एंड फ्रूट्स ऑफ कैप्टिकल्स ऑफ लीव्स द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर इवेपोरेट फॉर्म अ लिविंग प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। तो जो लिविंग प्लांट है उसमें जो वाटर लूजिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला है, ट्रांसपीरेशन बोला है। ट्रांसपोर्टेशन अलग चीज है, ट्रांसपीरेशन अलग चीज है ना, इसकी स्पेलिंग देखेंगे TRANSPIRATION, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन स्पेलिंग क्या होती है, TRANSPORTATION, है ना, आप देख पा रहे हो ना ट्रांसपोर्टेशन की और ट्रांसपीरेशन की। There is a relationship between absorption and transportation as water is given out of the transpiration mode, water is observed. तो ये हुआ, if water is not is lost through transpiration mode equality, then it is the observed by the root or the plant cell will lose water, the leaves, stems and flowers will drop. This is called building. So building समझ आया आपको, मतलब if water is lost through transpiration more equality then it is observed by the roots here and the plant cell will lose water. जो plant के cell हैं, ठीक है, the leaves, stems, flowers will drop. इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी प्रोसेस को हम बोलेंगे building. एक्टिविटी दिए हैं यहाँ पे आपको, एक्टिविटी देखेंगे टू सो दैट वाटर इज मोस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब हमको ये देखना है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो वाकई द सो दैट वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन, जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है उसके उसके टाइम पे क्या करते हैं, पानी जो पौधे हैं उसमें पानी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो आप इसको लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करेंगे, आप एक कोई भी गमला लेंगे, है ना, और गमले में जिसमें पौधा लगा होगा उसको क्या करेंगे आप, पौधे से ढक देंगे, उसे पॉलीथिन से ढक देंगे, और कुछ टाइम के बाद आप उसमें देखेंगे कि अंदर साइड उसमें थोड़ी थोड़ी छोटी 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 ड्रॉप्स दिखाई देंगे आपको, है ना। तो इससे क्या प्रोसेस होगा आपको कि ये ट्रांसपीरेशन से पौधे पानी को ट्रांसपीरेशन के दौरान पानी पौधे को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो आज इतना काफी है, से आगे नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, शायद आपके सीटी होने वाले हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी तैयारी करिए। थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो।